तो गाइस आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं ये इसका स्किल और इसका भी स्किल टेस्ट करने वाले हैं। मतलब कि यार देखो, पहले हमारे गेम के अंदर में एक बंदर था, बट अभी दो बंदर हो चुके हैं, तो क्यों ना आज हम लोग दोनों बंदर का एबिलिटी को टेस्ट करें। तो कोई नहीं यार, आज हम लोग इस दोनों स्किल के स्किल को टेस्ट करने वाले हैं और देखें यार कौन सा ज्यादा पावरफुल है और कौन सा ज्यादा बेस्ट है। तो चलो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके। तो यहाँ पर देखो, यह अपना ओल्ड उकोंग का एबिलिटी और यह अपना न्यू उकोंग फ्रॉस्ट उकोंग का एबिलिटी। तो देखने में बर्फीला बंदर मेरे को बेस्ट लगा, आपको कौन सा बेस्ट लगा आप लोग मेरे को कमेंट कर बताना, ओके। और इसके अलावा अब हम लोग टेस्ट करते हैं कि नॉर्मल उकंग का एबिलिटी ज्यादा टाइम तक रहता है या फिर अपना फ्रॉस्ट उकंग का एबिलिटी ज्यादा टाइम तक रहता है। तो यहाँ पर अब हम लोग टाइमिंग देखने वाले हैं, आप लोग भी सही से देखना। 1 2 3 स्टार्ट। तो आप लोग ने देखा भाई साहब, दोनों का टाइमर सेम ही है, दोनों साथ में युकंग बने और साथ में ही खड़े हुए। तो इसमें मैं दोनों को एक एक पॉइंट देना चाहता हूँ, तो दोनों जो विनर हो गए। तो अब हम लोग टेस्ट करते हैं जोन में कौन सरवाइव कर पाता है। तो यहाँ पर मैं पहले फ्रॉस्ट बंदर को भेजना चाहता हूँ, जाओ बंदर जी, देखते हैं यार क्या होता है। तो यहाँ पर बंदर गए और इंसान बन के आ गए, तो ये सही है। तो अब घास फूस की बारी, तो घास फूस जी जाओ और जोन को सरवाइव करो। भाई साहब ये भी गए, ये भी इंसान बन गए, तो भाई तुम दोनों किसी काम के नहीं है, तो एक काम करो तुम लोग वहीं पे मर जाओ। तो देखो यार, मैंने आप लोग को फ्रॉस्ट मंकी वर्सेस नॉर्मल मंकी का एबिलिटी टेस्ट करके बताया। दोनों नॉर्मल से ही है और नॉर्मल से होगा क्यों नहीं, क्योंकि यार ये उकोंग का कोई इलाइट वर्जन नहीं है, सिर्फ ये स्किल का स्किन है। आपके पास अगर कोई पेट है तो उसका भी स्किन रहता है, तो सेम अपना उकोंग का जो घास फूस रहता है तो उसका ये स्किन है, तो इसलिए ये सेम ही एक बराबर है। तो इसमें आप लोग को कोई भी डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ हम लोग को फ्री में मिलेगा विंटर के लिए, बिकॉज मैप के अंदर में सब जगह पे विंटर हो चुका है, बर्फीला सब कुछ हो चुका है, तो इसलिए घास फूस आप यूज करते हो तो अलग से दिखेगा। तो इसलिए करना, फ्री फायर ने घास फूस को बंदर बना दिया है और बर्फ का शेप दे दिया है, बिकॉज उकोंग का स्किन मैप के अंदर में मैच कर पाए। तो ठीक है, यही सब था अपना स्किल स्किन ऑफ उकोंग के बारे में, जो कि मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया। और रही आपके मन में और कुछ डाउट, तो भाई कमेंट करके बताओ, मैं हूं ना, मैं आप लोग को रिप्लाई करूंगा। और हाँ गाइस, आप लोग से 10 सेकंड लेना चाहता हूं। तो देखो यार, मेरा ब्लॉग चैनल आप लोग को बताया है और वहां पर एक वीडियो अपलोड हुआ है। यहां पर देखो, थंबनेल तो ज्यादा खास नहीं है, बट हां वीडियो देखो आप लोग को काफी ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज हमारे गांव में फ्री फायर का टूर्नामेंट हो रहा था और हम लोग मेले में भी गए थे स्टार गेमर के साथ में, तो बहुत ही मजा आया, आप लोग जाके देखना। व्लॉग अच्छी लगती है तो आपको तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो टेक केयर, बाय बाय।